Yeah, good afternoon everyone. Today we are doing videography of miscellaneous straight line, chapter number 9 according to new book and chapter number 10 according to the old book. We are writing chapter number according to old book only. To start with, we have question number 1 on our screen. Piyush, can you please read this question? Yes, sir. Find the values of k for which the following line k minus 3 into x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 equals 0. Is A, parallel to the x-axis, B, parallel to the y-axis, C, passing through the origin. देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मैं आपको स्केचपैड पे ना पहले उसकी इक्वेशन लिख के बताता हूँ, राइट? सबसे पहले ये हमारा, ये बता दूँ, मिसलिनियस है, राइट? क्वेश्चन नंबर है ये 1, ओके? ओके. जस्ट अ सेकंड. ओके, मिसलिनियस स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 1 है ये, राइट? देखिए जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है पीयूष, वो दी है k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू में 0. अब फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें बोला है कि ये जो भी गिवन लाइन है जिसकी इक्वेशन दी है वो पैरेलल है. किसके पैरेलल है? x-axis. x-axis के पैरेलल है, राइट? तो कोई भी जो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की, तो कहने का मतलब है वाई इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगा. मैं लिख के बताता हूँ, राइट? एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी आप सोच लो ना, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका वाई कोफिशिएंट, वाई जो है विल बी कांस्टेंट. इट इज ऑफ द फॉर्म y जो है किसी भी नंबर के इक्वल हो, मतलब y इज इक्वल टू k ले लो, y इज इक्वल टू p ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है? ठीक है. और उसका जो कोफिशिएंट होगा x का वो जो है जीरो होगा. यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? k माइनस 3. तो यानी कि k माइनस 3 जो होगा वो जीरो होगा और k इज इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे सेकेंड पार्ट में बोला है पैरेलल टू y एक्सिस. अब कोई भी लाइन जो पैरेलल होगी किसके? वाई एक्सिस के, उसका जो फॉर्म होगा वो एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट के इक्वल होगी. और कहने का मतलब है जो कोफिशिएंट होगा वाई का वो जीरो होगा. वाई का जो कोफिशिएंट है यहां पर वो है माइनस ब्रैकेट 4 माइनस k स्क्वायर, वो हमारा 0 है. 4 माइनस ये k स्क्वायर लिखा है मैंने, वो 0 माइनस उधर जाएगा, यू नो, तो ये 4 इक्वल टू k स्क्वायर आ जाएगा. और k हमारा कितना आ जाएगा अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो? प्लस माइनस 2. वेरी राइट. ठीक है, तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो हमारा k इक्वल टू प्लस माइनस 2. अब एक सी पार्ट है जिसमें पूछा है कि लाइन जो है ओरिजिन में से पास कर रही है, ठीक है? तो ओरिजिन में से पास कर रही है मतलब 0,0 जो है, मान लो कैपिटल ए है, ये सेटिस्फाई करेगा और जो गिवन इक्वेशन है वो 1 दी रखी है, ठीक है? सेटिस्फाई दी गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x और y दोनों के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये आ जाएगा k माइनस 3 इंटू 0 ब्रैकेट 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. ये चीज हमारी 0 हो गई, ये भी चीज हमारी 0 हो गई. वी आर लेफ्ट विद k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. अब इसके एमटीएस से बना लेना भाई, माइनस 6 और माइनस 1 बनेंगे. शॉर्टकट आपको पता ही है, k स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 हो तो डायरेक्टली फैक्टर बन जाएंगे k माइनस 6, k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k आ जाएगा 6,1, ठीक है? तो पीयूष ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पिक में साथ साथ आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर. पिक में साथ साथ आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें. ओके सर.
Find the equation of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and the products are 1 and minus 6 respectively. या इंटरसेप्ट का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो पहले मैं ये रब कर देता हूँ बोर्ड। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2। थोड़ा सा मैं याद दिला दूं आपको इंटरसेप्ट होते क्या थे। उसके लिए आप ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, आपको पता ही है ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। ये कोई लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस पे ए और बी इसके इंटरसेप्ट है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट हैं 1, 0, और ये कोई बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, b। ये ओरिजिन है, आपको पता ही है ये जो डिस्टेंस है स्मॉल ए है और ये जो डिस्टेंस है स्मॉल बी है। और आपको अगर ध्यान हो तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म को क्या कहते थे पीयूष? इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान ही है। तो अब है ना, इन्होंने दिया हुआ है सम ऑफ द इंटरसेप्ट, मतलब ए प्लस बी हमें 1 दिया हुआ है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। और प्रोडक्ट ए इंटू बी क्या दिया हुआ है? माइनस 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप बी की वैल्यू निकालिए जो कि हो जाएगी 1 माइनस ए, ठीक है ना। ये बी की वैल्यू कहाँ से आई है? इक्वेशन नंबर 1 से आई है, राइट। आप 2 और 3 को आप इक्वेट कीजिए, ए की जगह ए और जो बी है उसकी जगह आप लिखिए 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस 6। तो ये आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6। उठा के यहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6। अब आपको एम टी एस तो पता ही है, मल्टीप्लाई पे माइनस 6 और एडिशन पे माइनस 1, फैक्टर आ गए माइनस 3 और प्लस 2। ए स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 हो तभी ये शॉर्टकट लगता है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए माइनस 3 और ए प्लस 2, तो यहाँ से ए आ गया 3। अगर ए माइनस 3 0 के इक्वल होगा तो ए आ जाएगा 3 और एक ए आ जाएगा माइनस 2। आप सभी को पता है बी क्या था हमारा? 1 माइनस ए था। ए अगर 3 है तो बी हमारा 1 माइनस ए, यानी 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? माइनस 2। और ए अगर माइनस 2 है तो बी 1 माइनस और माइनस 2 मतलब प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड जो लाइन है आपको पता है, इसमें मतलब वैल्यू डालनी पड़ेगी एक्स अपॉन ए यानी कि एक्स अपॉन 3 प्लस, यहाँ लिख लेना रिक्वायर्ड लाइन्स आर, ये लास्ट स्टेप है, राइट। एक एक्स है, अगर ए है माइनस 3 और बी है माइनस 2, y अपॉन बी होता है, ठीक है ना, इक्वल टू 1, प्लस अपॉन माइनस माइनस होता है, आप सभी को पता है। एक आंसर ये आ गया x अपॉन 3 माइनस y बाय 2 इक्वल टू 1। और एक बार a है अगर माइनस 2 तो b आ रहा है प्लस 3। ये बेटा इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 में, क्योंकि आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है। इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस x बाय 2 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 1। हो सकता है पीछे एलसीएम लेके सॉल्व किया हो तो वो खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पीयूष हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। ओके सर, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल्स 1 इज 4 यूनिट्स। ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं इसका ताकि अच्छे से हमें क्लियर हो। ये क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी एक्स और वाई एक्सिस, ये कोई लाइन है। फिर से इस लाइन की जो, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो इक्वेशन दिया x by 3 plus y by 4 is equal to 1, ठीक है ना। अब इसने बोला है what are the points on y-axis, y-axis पे कौन सा पॉइंट है? y-axis पे जो भी पॉइंट होगा, मान लो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y1 मान लो, ठीक है ना, क्योंकि उसका x 0 होगा, राइट। तो उन्होंने बोला था कोई भी पॉइंट है y-axis पे, तो लेट एनी पॉइंट ऑन y-axis
उसके कोऑर्डिनेट है 0, y1। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। ये कोई पॉइंट है a0, y1 से इस लाइन के बीच में, राइट? ये वाला जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, ऐसे ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है? ठीक है। लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, x/3 + y/4 = 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, 12 एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लाइन की इक्वेशन है 4x + 3y - 12 = 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है? ठीक है। अब अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो तो वो मैंने बताया था, वो था मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + C / √ a² + b² ये जो डिस्टेंस है ये 4 दिया है, क्योंकि वो मॉडुलस को सॉल्व करना है ना, तो इसे पहले ही प्लस माइनस ले लो, ठीक है ना? ठीक है। वो मॉडुलस हट जाएगा, राइट? और कैपिटल ये x1 y1 ये दे रखे हैं हमें, ठीक है? x1 हमारा 0 है, ये बेटा ये x1 था एक्चुअली में, और ये हमारा y1 था। तो कैपिटल a की जगह ये, इसे कंपेयर कर लो, ax + by + C = 0 के साथ, यहां से कैपिटल ए हमारा 4 है, कैपिटल बी है 3 और कैपिटल सी है -12। तो कैपिटल ए की जगह 4, x1 की जगह 0, कैपिटल बी की जगह 3, y1 की जगह y1 और कैपिटल सी हमारा -12 है। मॉडुलस मैंने हटा दिया, तभी मैंने लेफ्ट में देखो +4 की बजाय +-4 दोनों लगा दिए, अपॉन में √a² + b² मतलब √4² + 3² इसे सॉल्व कीजिए, 4 × 0 तो 0 हो गया, ये बन गया 3y1 - 12 अपॉन में √16 + 9 = 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है ना? अब इसके दो केस बनेंगे, आपको पता ही है। एक बार आप लीजिए +4 = 3y1 - 12 / 5, एक बार लीजिए -4 = 3y1 - 12 / 5, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 3y1 - 12 = 20। -12 को राइट हैंड पे ले जाइए, 3y1 हमारा आ रहा है 32, एक वैल्यू y1 की आ रही है 32/3। हमें वैसे भी ये कैपिटल A के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो एक कैपिटल A का कोऑर्डिनेट ये हो सकता है पॉसिबल, 0, 32/3, और एक इसे सॉल्व कीजिए, -12 को लेफ्ट में ले आओ, -8 = 3y1, y1 आ जाएगा -8/3। तो ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो -8/3, मतलब ए के दो पॉसिबल आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएंगे 0, 32/3 और एक आ जाएगा 0, -8/3, राइट? राइट। तो मैं भेज रहा हूँ वीडियोग्राफी में, इसलिए हम रिपीट नहीं कराते हैं पीयूष क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही है, आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन ना हो, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। Find perpendicular distance from the origin to the line joining the points cos theta, sin theta and cos phi, sin phi. ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ओरिजिन से बताना है, दो पॉइंट है, एक है cos theta, sin theta और एक है cos phi और sin phi, ठीक है? तो पहले तो इन दोनों की हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, दो पॉइंट दे रखे थे अगर आपको याद हो तो, पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट थे cos थीटा कॉमा sin थीटा, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है b, इसके थे cos phi
कॉमा साइन फाइव, ठीक है ना। तो टू पॉइंट फॉर्म लगानी है एक्चुअली यहाँ पर, ये है एक्स वन वाई वन, ये है एक्स टू वाई टू। आपका मन है तो स्लोप पहले निकाल लो, वरना डायरेक्टली वाई माइनस वाई वन, आपको याद ही है फॉर्मूला टू पॉइंट फॉर्म का, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसे क्या कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। ये तभी उपयोग में लाते हैं जब दो पॉइंट ऐसे गिवन हो और लाइन की इक्वेशन बनानी हो, ठीक है। ठीक है, वाई वन है हमारा साइन थीटा, वाई टू माइनस वाई वन मतलब साइन फाई माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय में एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि एक्स माइनस में ये कॉस थीटा, ठीक है ना। थोड़े मैं फॉर्मूले यहाँ पर राइट में लिख देता हूँ, फिर आप अप्लाई करना। अगर आपको ध्यान हो, ये मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए भी थे पीयूष पहले, एक था साइन सी माइनस साइन डी, नंबर थ्री था ये, उसमें टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इन टू, नहीं ये नंबर टू था सॉरी, साइन ऑफ सी माइनस डी बाय टू, एक ये फॉर्मूला था। और एक ये नंबर फोर कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका जो फॉर्मूला था वो था माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू इन टू साइन सी माइनस डी बाय टू। और यही क्यों चूज किया, ध्यान से देखो, यहां पर लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी और ये लग रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा। तो ये ऊपर लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी, आप सभी को पता है इस वाले में सी जो है हमारा फाई है और डी जो है हमारा थीटा है, और ये कॉस सी माइनस कॉस डी डिनोमिनेटर में लग रहा है, ये न्यूमिनेटर में लग रहा है और ये वाला डिनोमिनेटर में लग रहा है, जहां पे सी जो है हमारा फाई है और डी जो है हमारा थीटा है, ठीक है। तो अब मैं ये फॉर्मूले लगा रहा हूँ, ये बन जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, यानी कि फाई प्लस थीटा होल डिवाइड बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, यानी कि फाई माइनस थीटा होल डिवाइड बाय टू होल डिवाइडेड कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी कि माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू, यानी कि फाई प्लस थीटा डिवाइड बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू फाई माइनस थीटा डिवाइड बाय टू, ठीक है। यहाँ देखो ये टू से टू काट देना, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट एक्स माइनस कॉस थीटा था ये एज इट इज है, ओके। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली, तो ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट वाई माइनस साइन थीटा एज इट इज होगा, और उसका मल्टीप्लाई ये माइनस ए वाला चला गया, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा साइन फाई प्लस थीटा होल डिवाइड बाय टू इंटू साइन फाई माइनस थीटा होल डिवाइड बाय टू से इक्वल टू, ये ऐसे है एक्स माइनस कॉस थीटा को आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद ये है दूसरी ब्रैकेट में ये है कॉस फाई प्लस थीटा होल डिवाइड बाय टू इंटू साइन फाई माइनस थीटा होल डिवाइड बाय टू, ये कुछ ऐसा फॉर्म है, राइट राइट। बोलिए कुछ कहना, ये दोनों कट रहे हैं, कौन से दोनों, ये दोनों साइन फाई माइनस थीटा होल डिवाइड बाय टू, ओके वेरी नाइस ऑब्जर्वेंस। यहां से भी काट सकता हूं मैं वैसे, हैं ये देखो ये पूरा और ये पूरा ना ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे साइन थीटा माइनस वाई मल्टीप्लाई में ये बन गया साइन फाई प्लस थीटा होल डिवाइड बाय टू, ये एंगल है राइट राइट, इनटू एक्स माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉस फाई प्लस थीटा होल डिवाइड बाय टू, ये ऐसे बन गया। अब मल्टीप्लाई करो, देखो ये
हो जाएगा साइन थीटा इंटू में साइन, ये एंगल है इसका 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2 माइनस वाई साइन, फिर ये उसका एंगल है 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2, ठीक है? ठीक है। फर्दर ये x के साथ है x इंटू कॉस, ये इसका एंगल है 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा मल्टीप्लाई में कॉस 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय में 2, ठीक है? ठीक है, कुछ ऐसे है। पहले मैं ये आपको भेज देता हूं, इतना ताकि आप इसके ये स्टेप देख सको अच्छे से, ठीक है? ठीक है। और अब मैं ये पोर्ट ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो लास्ट स्टेप लिखा था वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? एक बार आप बोलेंगे भी उस लास्ट स्टेप में हमने साइन थीटा, एक सेकंड, लास्ट स्टेप अगर आपको ध्यान है वही वाला मैं लिख रहा हूँ, है साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन साइन 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2 माइनस वाई साइन 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एक्स कॉस 5 माइनस थीटा, नहीं थीटा प्लस 5 प्लस थीटा, ध्यान से देखिए माइनस कहां से आ गया, ध्यान से देखिए फिर बोलिए, माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा बाय 2, ये ऐसे है। अब एक काम करोगे, ये वाली टर्म्स को उठा के ना या लेफ्ट में ले आओगे, तो ये बन गया x इंटू कॉस ब्रैकेट 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस y इंटू साइन 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2, और ये भी इधर आएगी ये दोनों माइनस आ गए, मैं ऐसे कॉमन ले रहा हूं, है थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्टेप कम हो, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2, वो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये वाला जो चीज थी ये तो अपनी जगह थी, उसमें से माइनस कॉमन गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिए पीयूष, और ये बताइए फॉर्मूला किस चीज का है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, cos a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी, उल्टा होता है ना। ओके पहले इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट क्या आ रहा है, a यहाँ पर थीटा है और b है यहाँ पर 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2, ठीक है? आप बोलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a है थीटा और b है 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2, इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया 2 थीटा माइनस 5 माइनस थीटा, मतलब ये स्टेप एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई नहीं एक और लिख लेंगे एक बार और से, x cos 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस y sin ब्रैकेट 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2 माइनस cos 2 थीटा माइनस थीटा थीटा माइनस 5 होल डिवाइड बाय 2। अब इसे है ना कंपेयर करो, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 के साथ अगर कंपेयर करोगे ना, तो ए हमारा क्या आ रहा है, कॉस ब्रैकेट 5 प्लस थीटा होल डिवाइड बाय 2, बी आ रहा है साइन
पाई प्लस थीटा होल डिवाइड बाय टू, और ये सी हमारा मतलब उधर ले जा मॉडुलस होता है वैसे ही अगर आपको याद हो तो, ये आ रहा है माइनस कॉस थीटा माइनस फाई होल डिवाइड बाय टू। पहले मैं इतना सेंड कर देता हूँ आपको, आई होप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं पीयूष। यस सर। अब हमें निकालना था बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए बी सी आपके पास है, आप तो वैसे पीयूष कॉन्टिन्यूशन में कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मतलब ओरिजिन से निकालना है, फॉर्मूला याद है अभी मैंने बताया था, मॉडुलस था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और मॉडुलस ऑफ सी है हमारा, सी नेगेटिव में था तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट? सी अगर आपको याद है क्या था, थीटा माइनस फाइव होल डिवाइड बाय टू था, अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हमारा हो जाएगा ए कॉस था ना, cos square theta plus phi by 2 plus sin square theta plus phi by 2। ध्यान से देखो ये नीचे cos square p plus sin square p आप सभी को पता है 1 होता है, ठीक है ना? हाँ। तो वही चीज लगी है, तो मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है रूट ऑफ 1 फर्दर जाके 1 हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो है वो हमारा पॉजिटिव में ही आएगा, डिस्टेंस वैसे भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, और वो हो जाएगा थीटा माइनस फाई होल डिवाइड बाय टू हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था पर फॉर्मूला वही सेम है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ऑर्डर में ही सेंड कर रहा हूँ ताकि आप प्रॉपरली देख सको। और अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें। ओके सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस and drawn through the point of intersection of the line x minus 7y plus 5 equals 0 and 3x plus y equals 0। कोई भी लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के, पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ आपके लिए रफ फिगर, देखो कोई भी ऐसे एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, वो पैरेलल है ऐसे y एक्सिस के, और ये जो लाइन है ना ड्रॉ हो रही है पॉइंट, दो अलग से लाइन दे रखी है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ड्रॉ हो रही है, तो ये जो दो लाइन दे रखी हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्होंने बोला है, उसमें से पहली लाइन की इक्वेशन है x माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और दूसरी की इक्वेशन है 3x प्लस y इक्वल टू जीरो। और आपको पता है अगर ऐसे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसे करने के लिए मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मैं यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 की 1 से कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी बन जाएगी 3x माइनस 21y प्लस 15 इक्वल टू में 0, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, और सेकंड की 1 से करिए तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम वही सेकंड ही रहेगी, सब्ट्रैक्ट कीजिए 3x से 3x कैंसिल, ये आ गया माइनस 22y प्लस ये 5 दे रखी थी ना, एक सेकेंड, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 था ना, एक बार इसका आंसर चेक करना, और पहली इक्वेशन हमारी थी x माइनस 7y प्लस 5 थी या 15 थी, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा ही, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ इतना, बार वैसे तो सही किया है हमने आंसर में कुछ, एक सेकंड, ये तो y की वैल्यू आ गई ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो y आ गया हमारा 15/22, क्योंकि कोई भी लाइन अगर बेटा पैरेलल y एक्सिस के है ना तो उसका जो x है वो फर्दर x1 के इक्वल होगा, राइट? राइट।
तो ये जो भी वैल्यू आई है आपकी y की, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दोगे, थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। y की जगह आया है 15/22 इक्वल टू 0, 3x आ गया हमारा माइनस 15/22, x आ गया माइनस 15/22 इंटू 1/3, x आ गया हमारा -5/22, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल बतानी थी, मतलब एनी लाइन पैरेलल, ये वाले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके हमारे कोऑर्डिनेट ये आ गए -5/22 कॉमा 15/22, आपको पता है ये इसका x है और ये इसका y। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसे x1 y1 मान लो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है, x इक्वल टू x1, और x1 हमारा कितना आया -5/22, मतलब x इक्वल टू x और x1 एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई 22x इक्वल टू -5। तो जो गिवन इक्वेशन है लाइन की वो क्या हो जाएगी, या तो 22, या तो x इक्वल टू -5/22 हो जाएगी, या 22x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगी। दोनों में से जो भी आंसर दिया हो कंसिडर कर लेना उसे, ठीक है। ये मैं सेंड कर देता हूँ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब मैं चाहूंगा पीयूष एक मिनट, मैं वो ड्रॉप कर देता हूँ पहले। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 प्लस y/6 इक्वल्स 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। कोई भी इक्वेशन बतानी है हमें किसी लाइन की जो परपेंडिकुलर है एक पर्टिकुलर लाइन के, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है ना, जिसकी इक्वेशन है x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, वो मीट कर रही है y एक्सिस को 1 पर। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका एक रफ फिगर आपके लिए बनाता हूँ। उसके लिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए पहले, इसके बाद मान लीजिए कि ऐसे लाइन है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये b का दिया हुआ 0,6, और ये जो लाइन ऐसे है ये CB है जो इसके परपेंडिकुलर है, राइट। इसका 0,6 लेने का मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये हमें 6 यूनिट दिया हुआ है, और ये ओरिजिन है, ये A है, ठीक है। जरा इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं हम। जो गिवन लाइन की, जो भी ये लाइन की इक्वेशन थी ना, वो हमें गिवन थी, वो थी x/4, तो ये 4 यूनिट होगा, है ये इसी वाली लाइन की इक्वेशन है, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये मीट कर रही है y एक्सिस को, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट इसका 6 यूनिट है, तो y एक्सिस को ये 0,6 पे मीट कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मतलब अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ ना इसमें, तो y 6 ही आएगा। देखो 0/4 0 हो गया, y/6 इक्वल टू 1, तभी ये उस पे मीट कर रही थी 6 पे ना, ठीक है। तो स्लोप हमें बताना है, लाइन की इक्वेशन जो गिवन है x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक। ये इक्वेशन आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y आ जाएगा 12 माइनस 3x, y आ जाएगा 6 माइनस 3/2 इंटू एक्स, इसे ऐसे लिख लो -3/2x प्लस 6, और फिर आप y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर इसे कंपेयर करेंगे ना, तो इसका स्लोप कितना आ गया, -3/2 आ गया, ठीक है ना। इसे बेशक आप m1 बता दो। अब हमें bc का स्लोप बताना है, इस लाइन का नाम क्या था, AB था,
और सी बी मैंने पहले ही बताया था इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो सी बी का जो स्लोप है उसे बेशक आप एम टू ले लो, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा क्योंकि आपको कंडीशन ऑफ नॉर्मैलिटी पता है, एम वन इंटू एम टू माइनस वन। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब उसका स्लोप प्लस टू बाय थ्री हो जाएगा, ठीक है। और वो पास किस में से कर रही थी, बी पॉइंट में से पास कर रही थी, वो 0.6 हो गए, ये x1 y1 हो गए। वन पॉइंट फॉर्म लगाइए भाई, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ब्रैकेट x माइनस x1, y1 की जगह 6, स्लोप की जगह 2 बाय 3 और x1 की जगह 0 रखिए, लिया आ जाएगा 2x बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3y माइनस 18 इक्वल टू में आ गया 2x, 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0 जो है ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन हो गई। अभी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको पीयूष। सेंड मैंने कर दिया, ओके। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। ओके सर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द लाइन y माइनस x इक्वल 0 कॉमा x प्लस y इक्वल 0 एंड k x माइनस k इक्वल 0। पहले जो तीनों इक्वेशन दे रखी हैं ये एक मतलब इनका एरिया बताना है जो फिगर ही बनाएंगे, तो पहले जरा तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7, जो ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं, पहली है y माइनस x इक्वल टू में 0, दूसरी है x प्लस y इक्वल टू में 0 और तीसरी है x माइनस k इक्वल टू में 0। एक रफ फिगर इसका बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बनाइए, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। अब वन और टू को ध्यान से अगर आप सॉल्व करते हैं तो मतलब एक्स और वाई दोनों जीरो आएंगे। एक्स की वैल्यू जीरो डालो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, तो एक्स और वाई दोनों जीरो आ जाएंगे। तो एक पॉइंट ये ओ आ गया, हमारा ओरिजिन जो है 0.0, ठीक है ना। और अगर टू और थ्री को आप सॉल्व करते हो, ये एक्स माइनस के है ये बाय टू एंड थ्री, टू और थ्री को सॉल्व करते हो, थ्री से साफ साफ पता चल रहा है एक्स हमारा क्या आ रहा है, के आ रहा है। और ये एक्स की वैल्यू जो के है ये आप सेकंड इक्वेशन में डालो तो वो हो जाएगा के प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वाई कितना आ जाएगा माइनस के आ जाएगा, राइट। एक्स अगर हमारा के है तो वाई है माइनस के, तो ये मान लो एक्स के है यहाँ पर, यहाँ वाई पॉजिटिव के मान लो या माइनस के मान लो, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, राइट। पॉइंट बी मान लीजिए इसे, एक्स हमारा के है तो वाई आ गया माइनस के। और अगर आप थ्री और वन को लेते हो तो थर्ड से इक्वेशन में एक्स के आया था, ये एक्स की वैल्यू जो के आई है फर्स्ट इक्वेशन में डालो तो वाई हमारा कितना आ जाएगा पॉजिटिव के आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए, जहां पर x अगर k है तो y हो जाएगा पॉजिटिव k। अब इन सबको ऐसे ज्वाइन कर लो, आपको प्रॉपर ये पेंसिल स्केल से बनाना, राइट। ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर पे प्रॉपर बन जाएगा, ये ऐसे आ गया, ओके। ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा, k ऊपर k नीचे 2k आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया निकालना है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा, के होगा। ये पॉइंट को M मान लो, M ये यहाँ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है किसका, ए बी जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस है इसका ए बी और ऑल्टीट्यूड है इसका ओ एम। ए बी हमारा आया 2k और ये आया हमारा k, ठीक है। तो 2 से 2 काट दीजिए, एरिया उन्होंने पूछा था, एरिया आ गया k स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, कोई भी यूनिट दे नहीं रखी सेंटीमीटर या कुछ,
तो के स्क्वायर यूनिट्स। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके और वीडियोस बनाएंगे। तो अब मैं चाहूंगा पीयूष आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लें। ओके सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइंस 3x plus y minus 2 equals 0, comma px plus 2y minus 3 equals 0 and 2x minus y minus 3 equals 0 may intersect at one point। देखो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे ना एक पॉइंट पे, तो दो इक्वेशन जो दे रखी है उन्हें सॉल्व करो और जो x और y की वैल्यू आएगी वो तीसरी इक्वेशन में डालो तो p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। जो दो इक्वेशन दे रखी हैं और सॉल्व हो सकती हैं, एक तो है 3x plus y minus 2 equal to 0, तो 3x plus y equal to 2 हो जाएगी, और एक है हमारी 2x minus y minus 3 है, उसे राइट साइड पर ले जाओ तो वो प्लस 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व करना इन्हें आसान है, ऐड कीजिए, y से y कट जाएगा, 5x आ गया 5, x आ जाएगा 5/5 यानी कि 1। ये जो वैल्यू x की आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, x की जगह 1 रखिए, तो ये आ गया 3 प्लस y इज इक्वल टू आ गया 2, y आ गया 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1, y हमारा कितना आ गया माइनस 1 और x आ गया 1। अब तीसरी एक इक्वेशन दे रखी थी px प्लस 2y minus 3 equal to में 0, तो इन्होंने बोला था ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की जगह 1 और y जगह की जगह minus 1 आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, तो ये आ गया p minus 2 minus 3 equal to 0, p minus 5 equal to 0, P हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट? राइट। तो P हमारा कितना आ गया 5 आ गया, तो हम यहाँ पर आंसर फिर ऐसे लिखेंगे, फॉर P इक्वल टू 5 द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट 1, -1। ये अभी मैं आपको भेज देता हूँ पीयूष। तो क्लास ये थी हमारी मिसलिनियस स्ट्रेट लाइन की वीडियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस किए। जल्दी हम आगे के क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।